अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने शादी का तो लुक मेरा देख चुके, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप था। और आज मेरा लुक है वलीमे का। तो वलीमे में कुछ मैं आज गजारा मुझे कुछ अलग लुक दे रहे हैं ना। मतलब कौन सा लुक है आज का मेरा? स्मोकी आईज लुक है। स्मोकी आईज लुक है ना। जैसे कि जैसा ग्रेस होता है, जैसा हम कपड़ा पहनते हैं, वो हिसाब से ही गजाला मेकअप करती है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती है। गजाला की तो तारीफ काबिल है गजाला। कितने भी तारीफ करो कम है गजाला के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह है ना। मुझे पूरा चेंज कर देती है। कमेंट भी आता है कि आपा को तुमने पूरा चेंज कर दिया है ना। और आज की आईज, अभी पूरा लुक मेरा आप लोग बाद में देखना जब मैं पूरी मतलब रेडी होंगी कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद में ना। और गजाला की आईडी फिर से एक बार बोलती हूँ, मैं टैग कर रही हूँ, आप लोग इनको फॉलो करना, सपोर्ट करना। और दूसरी बात कि शादियों का सीजन चालू है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग गजालों का ऑर्डर देना। बहुत लोग के गजाला मतलब अपना इन लोगों को भेजती है, मगर बहुत लोग गजाला को चार हाथ लगाने पड़ेंगे क्योंकि गजाला के हाथ का ही मेकअप बहुत अच्छा रहता है ना। कमेंट्स यही आता है कि मतलब मेरा ही चाहिए ऐसा रहता है ना। तो चलो चलिए, माशाल्लाह कैसी लग रही हूँ मैं आज। मैंने फुल ब्लैक आउटफिट लिए, एकदम ब्लैक। उसके नीचे ये मैंने मैचिंग करके पहनी हूँ। कॉन्ट्रास्ट करी हूँ ना मैं सब। सब ये मेरा दिमाग से मैंने की हूँ। कैसा लग रहा है बताना कमेंट में। वन्नी बैग वन्नी, और चप्पल माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे। चलो निकलते। हाँ वली में पहुंच गए। बाप रे इतना लंबे लंबे की शादी। वलीमा शादी भी वलीमा भी भाई को अग्नि दे बता बता दे होगा ना। रख दिल गंदे में लाके धोखे डाल ले। बोलो पीछे बर्फ है, आगे पीछे पूरा जंगल है। अरे अशरफ भाई, अशरफ भाई अरे भाई जरा आओ तो जरा। अरे बस मैनेजर लग रहे एकदम। तुम तो वेटर दिख रहे एकदम। हाँ बैठ। वेटर नहीं अच्छा दिख रहा मैं। अच्छा नहीं दिख रहा मैं। फुल ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट सब वही पहने। देखो वेटर लोग ने। और ये एक वेटर ये अच्छा लग रहा। देखा भाई का, देखा भाई का नाम मेरा पे। डैडी तो उधर बिजी हो गए अपनी फैमिली में। मेरा और अम्मी का तो लो। अम्मी मेरे साथ तो लो, मेरे साथ तो लो। अंदर लेना अंदर। मस्त। ये कैसा दिख रहा है? कितना गोलू गोलू ये मस्त दिख रहा है। चार भी दुल्हन से मिलवाती हूँ। तो आज सलाम वालेकुम।
हमारे दोस्त नाम, ये है इम्तियाज मेरा बेटा और ये है मेरी बहू रानी, है ना। तो कैसे लग रहे हैं दोनों, और इन लोगों को काफ़ी सारी दुआएं देना, अल्लाह ताला इन लोगों की जोड़ी सलामत रखे और इन लोगों में बहुत सारा प्यार रखे जैसा मेरे में और तुम्हारे भाई में है, है ना। कुछ बोलने का तुम लोग लगता है? अच्छा रील्स में भी एक वीडियो अपलोड की उन लोगों की, तो वो भी जरूर देखना। तो चलिए गाइस हम लोग वलीमा में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में मैंने आप लोगों को दूल्हा दुल्हन से भी मिलाई, अभी मैं आपको मिलाऊंगी एक एक करके तुम्हारे भाई की फैमिली से। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी ननन से, और मेरी ननन दुल्हन वाले आए नहीं अभी तक सबसे पहले। हाँ दुल्हन वाले अभी तक नहीं आए क्योंकि बेचारे ट्रैफिक में फंस गए। कितना घंटा और आधा घंटा लगेगा? आधा घंटा लगे, 10:30 बज रहे अंबरनाथ से आ रहे, बहुत ट्रैफिक है अंबरनाथ से। और अपन किधर है? नाला सुपारा में हम लोग, और लोग अमरनाथ से आ रहे हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, आप लोगों को एक एक करके सबसे मिलाऊंगी। दूल्हा दुल्हन कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। माशाल्लाह मेकअप बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक ड्रेस तो मेरा, ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है। हॉल एकदम ओपन है और एकदम खाली खाली है, एकदम मस्त और एकदम ठंडा। इधर का मौसम है ना अपने बॉम्बे से बहुत ही ठंडा है, ठंडा है। नाला सुपारा अमरनाथ में बहुत ठंडी है, अमरनाथ में बहुत ठंडी है। जैसे कहते हैं इसमें जो है ना क्या बोलते हैं, ये थोड़ा गांव जैसा लगता है, गांव टाइप ऐसा लगने लगता है। और ये थोड़ा अपने गांव नहीं है, शहर ही है। हम लोग शहर में मतलब हम लोग के मतलब ज्यादा ऐसा है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि गांव टाइप है। तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवा देती हूँ। आइए यहाँ पर। चलिए गाइस ये है मेरे ननन, इनसे तो आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, फिर आपको मिला रही हूँ। और ये इनके हस्बैंड है हमारे भाई का, यानी मेरे तो चलिए ये है हमारी भाभी, यानी ये दूल्हे की अम्मी है ना। तो इनसे मैं आपको मिलाती हूँ एकदम। हाँ एकदम बोलेगा तो इतना खास है मेरे लिए कि पूछो ही मत। हम लोग दोनों बहन बहन के लिए, हाँ एकदम। जब से मैं शादी करके गई हूँ इनके घर में, भाभी के साथ में मेरी बहुत ही अच्छी मतलब बॉन्डिंग रही है, हमेशा एकदम अच्छे से बातचीत करना। और बहुत भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ। शादी करके मैं लेके आई, हाँ भाभी चाहते हैं मेरे को दुल्हन बना के भी, तभी आई थी दूसरे दिन लेने के लिए, तुम्हें आए थे ना? दूसरे दिन भाभी आए थे लेने के लिए। तो ये है अंजुम, मेरे कलेजे का टुकड़ा। ब्लॉग बना रही हूँ।
एकदम मस्त और ये हीना हीना को तो ब्लॉग में आई नहीं, तू तो कर ये काम का आदमी है हीना है, हीना के घर में भी देखते हैं। हाँ सब लोग देखते हैं। बचपन से हम लोग के साथ में रहने का, जैसे मैं साइन चली गई तो बोरिया बिस्तरा उठा के मेरे पास ही आके दे दी। अनम है, आप लोगों ने इसको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी देखे रहेंगे। इंस्टाग्राम आईडी क्या है मेरी? अनम शेख 7139। अनम कौन है? अनम है मेरी अंजुम की बेटी, मैं अनम की नानी हूँ। नानी लगती हूँ क्या? जोर में बोलो, वहाँ पे बोलना। कौन हूँ मैं? चुपना। टिकटॉक नानी, जैसे मैं टिकटॉक पे पहले वीडियो बनाती थी ना, तो इसके लिए आनंद बार बार अक्षा बार बार मेरे को कभी भी किधर भी जाने का ना तो बोले की टिकटॉक नानी के घर पे चलो। मतलब मैं टिकटॉक नानी हूँ, है ना? ये भी अंजुम की छोटी वाली बेटी है। खाने के बाद बोलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ये है नसीम आपा, दूल्हे की खाला, है ना? इनकी बिल्डिंग में मुझे सब लोग देखते हैं हमेशा, मुझे कभी भी बोलते हैं कि हमारे इधर आओ, हमारे बिल्डिंग वाले तुम्हारे से मिलना चाहते हैं। हमारे बिल्डिंग वाले बहुत दीवाने हैं। दीवाने कब आएंगे? तो ये नसीम आपा है, ये भी मैं बहुत इनको पहले से जानती हूँ। हमारे बिल्डिंग वाले बहुत अच्छे। थैंक यू। तो ये है अयान, अदनान और शिफा, ये मेरे तीनों भी ननद के बच्चे। तुम्हारे फोन में बहुत सारी फोटोज ली, लेकिन चल चल नीचे। एक मिनट सामने रख, ठीक है? हाँ बैठ चल। कहा कहते हैं अब्बा किधर? कहते हैं अब्बा तो इंग्लिश भी है, इधर तो इंग्लिश भी है, जब आकर ले ले।